कि 35 से 370 वापस आएगा बेवकूफ बना रहे हैं, दैट्स इम्पॉसिबल। कॉमन मैन को कैसे पता कि इन्होंने 370 की बात की भी या नहीं की? सॉल्यूशन ऑफ 370 एंड 35 है, उस पे वो खड़े नहीं उतरे, उनने लोगों को फिर से निराशा कर दिया। एक्सपेक्टेशंस थी इस मीटिंग से, वैसा कुछ हुआ नहीं। बट वो होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन इसको यही कहेंगे ना कि अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जी, अब क्रोनोलॉजी समझिए, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर टेंशन, फिर डिटेंशन। मैं समझ ये ऐसा कहीं ना कहीं जो जो यहाँ के लीडर्स बंद रखे गए थे कुछ सालों के लिए, तो उसी के लिए एनाम को एक चाय कप दिया गया था वहाँ पे, क्योंकि हम जैसे वो बाहर निकल गए थे तो एक बोलता है मैंने ऐसा बोला, दूसरा बोलता है मैंने ऐसा बोला। भाई ये वहाँ पे लीडर्स जो कश्मीर के लीडर्स वहाँ गए थे, वो वहाँ पे लेक्चर करने के लिए नहीं गए थे, वो खाली सुनने के लिए गए थे। उनको ये बोला गया था भाई हमें डिलिमिटेशन करना है, फिर इलेक्शन करना है, इलेक्शन के लिए जो आपके वर्कर्स हैं उनको बस पोलिंग बूथ ले आना है, उनको वोट डालने, बस इसी के लिए वो गए थे वहाँ पे। क्योंकि उन्होंने जब स्पेशल स्टेटस की बात की तो वहाँ से कहा गया था कि आप ये सब जुडिशियल मसला है, जुडिशियरी मसला, आप इस पर बात नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थी इस मीटिंग से, वैसा कुछ हुआ ही नहीं, बस यही है। ये सब जन लोग जानते हैं कि पहले डिलीमिट होगा, फिर इलेक्शन होगा, यही था, यही है और यही वहां पर भी हुआ। जी जहां तक मेरा अपना पर्सनल ख्याल है तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस मीटिंग। हैरानी की बात ये है, कल तक ये गैंग कहते थे इनको, गुपकार गैंग, कल इनके साथ फोटोशूट हो रहा था, अब इनको हम गुपकार गैंग बोलेंगे कि क्या बोले। कल तक इन्हीं की वजह से, इन्हीं लीडर्स को इन्होंने बंद करके रखा था, देवियर बिहाइंड बार्स, और बोला गया था कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। क्या कल थ्रेट नहीं था? तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस मीटिंग। 35 से 370 वो गया, वो कभी वापस आएगा नहीं, जिनके ये ख्वाब दिखा रहे हैं। वो पार्लियामेंट से आया था, पार्लियामेंट से ही आया था, वहीं से गया भी, अगर फिर से आएगा भी, विच इज़ इम्पॉसिबल, तो वो पार्लियामेंट से ही आएगा। तो कश्मीरी लीडर जो ख्वाब दिखा रहे हैं यहाँ के लोगों को, कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के रेजिडेंस के पे, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि बात सिर्फ 370 पे होगी, 35 ए पे होगी, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पे होगी, लेकिन वहाँ पे जो बात हुई वो डेवलपमेंट भी हुई, डिलिमिटेशन पे बात हुई, इलेक्शन पे बात हुई। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ पे जो लीडर्स, जिनको हम यू नो सो कॉल्ड लीडर्स, जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनने यहाँ पे जो पीएचडी दी, उनका एक दावा था कि हमारा जो पीएचडी जो बना है वो इस चीज़ के लिए बना है कि वो 370 और 35 ए के लिए लड़ेंगे और उसको वापस लाएंगे, उसको बहाल करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। लेकिन जब वो वहाँ पे मीटिंग में गई तो वहाँ पे जब बात हुई लिमिटेशन पे, डेवलपमेंट पे, तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई बात नहीं की और लोगों को फिर से उन्हें निराशा किया। मुझे लगता है कि ये उन्होंने फिर से ये दिखा दिया है कि वो सिर्फ एक जो उनसे कुर्सी छीनी गई थी उस चीज़ के लिए वो परेशान है, ना कि वो जो लोग हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए बिल्कुल बात नहीं हुई। मुझे लगता है कि पीएचडी जो बना था वो यही बना था कि वो रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35 है, उस पे वो खड़े नहीं उतरे, उनने लोगों को फिर से निराशा कर दिया। और जो पार्टी में बात हुई, डिलिमिटेशन पे हुए, डेवलपमेंट में बात हुई, तो हमारे जो यहाँ पे सो कॉल्ड लीडर्स, उनने वहाँ पे हाँ में हाँ मिला दी उस पे, वही उनने वहाँ पे किया। जी आम कश्मीरी की बात अगर करें तो उनकी एक्सपेक्टेशंस तो कुछ हद तक थी कि पीएचडी वाले या बाकी मिनिस्टर्स जाएंगे, बात करेंगे, स्टेटहुड एटलीस्ट या 370 की बात करेंगे, वो लेकर आएंगे। लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमेंट है, उन्हें अगर वापस देना होता तो फिर रिवोक नहीं करते। अब जो मिनिस्टर से बाहर आए, मीडिया से बात की, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने 370 वापस मांगा है, 35 से वापस मांगा है, स्टेटहुड मांगा है, लेकिन अंदर की बात तो वही लोग जाने ना कि जो अंदर थे। बाहर कॉमन मैन को कैसे पता कि इन्होंने 370 की बात की भी या नहीं की? चलिए की भी होगी, मान लेते हैं, किसी ने पंडित्स को बसाने की बात की, अच्छी बात है, किसी ने जॉब्स की, लैंड की, रिजर्वेशन की बात की, वो भी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ने 370 रिवोक किया और लोकल मिनिस्टर्स को जेल में रखा ये कह के कि ये गैंग है, ये डेवलपमेंट में बाधा है, ये रुकावट है, खानदानी राज है, और आज उन्हीं लीडर्स को फिर से आप इनवाइट कर रहे हो, तो क्या दोगलापन है? ये समझ नहीं आ रहा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है लोगों को, भरोसा टूट गया।